वेलकम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक अभिक्रिया यहाँ दर्शाया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये मिलकर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस अभिक्रिया में बन रही है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में दो अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बूझा चूना के नाम से भी जानते हैं। तो साथी, ये ऐसी अभिक्रिया है कि इसमें यदि कैल्शियम ऑक्साइड और चूना के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना कहते हैं और उसको जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसमें ऊष्मा निकलती है। ये बुझाव इस अभिक्रिया को, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यह गया संयोजन अभिक्रिया का एक प्रकार। इसमें ये अभिक्रिया जो हम देख रहे हैं एकल उत्पाद बना रहे हैं, साथ में इसमें एक और क्या होता है, इससे में बुझा हुआ जो चूना का जब निर्माण होता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है, इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखे होंगे आप घरों में चूना में जब जल को मिलाते हैं तो पानी जो है पूरा पौधे होता है, गर्म हो जाता है, यानी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अर्थात ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी है, साथ साथ इससे ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो रहा है, अतः ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जा सकता है या कह सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं तो इस बात जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं, जो कि एक द्रव के रूप में, एक ही बता रहा है कि लिक्विड के रूप में है, जिसका उपयोग हम लोग अपने घरों को उजाला करने में करते हैं, पेंट करने में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेंट करने में किया जाता है और पेंट करने के बाद ये एक और इसमें गुण क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब दीवारों को उजाला किया जाता है, पेंट किया जाता है, तो पेंट करने के दो दिन के बाद या तीन दिन तक उसमें देखते हैं कि बहुत बड़ा लाइट आता है, दीवार में चमक आ जाती है। वो चमक होता है कैसे होता है, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो चूना जल जो है ना, ये जो है इसका गुण है कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये बुझा हुआ चूना जो है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर एक परत बनाता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का परत। वही कैल्शियम कार्बोनेट की परत के चलते इस जो हम लोग को दीवार होता है उसमें एक तरह की चमक होती है, एक तरह की लाइट हो जाती है। दो संयोजन अभिक्रिया क्या है, और एक तरह से हमको एक प्रश्न मिला कि जब दीवार को पेंट करते हैं, चूना करते हैं, तो उस पर चमक कहां से आ जाती है, तो चमक यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसको पेंट करते हैं और ये वायुमंडल से अभिक्रिया करके एक तरह के एक परत बनाता है दीवार पर, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं, इसी परत के चलते दीवार पर चमक आ जाती है।
तो ये हमारा हुआ संयोजन अभिक्रिया और उसका एक तरह से उपयोग हो गया। यहां भी देख रहे हैं कि ऊष्मा से भी हमको बताया कि ऊष्मा निकलती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो हम उसको ऊष्मा से भी अभिक्रिया करते हैं, लेकिन यहां भी एक अभिक्रिया रसायन है, इसको हम श्वसन के नाम से जानते हैं। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन क्या है? श्वसन एक ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया। क्यों उसको श्वसन को हम ऊष्मा से भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं? श्वसन में क्या होता है, जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारे जो कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारी टूट जाता है, और टूटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वह ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट जो भोजन है जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, वही ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ जो कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है, उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने भोजन के रूप में, हम अपने शरीर के आवश्यकताओं के रूप में करते हैं। इसीलिए श्वसन को कहा गया है कि एक ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के फलता हमको ऊर्जा मुक्त होता है, अतः ऊष्मा क्षेत्रीय, इसीलिए ऊष्मा क्षेत्रीय रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय रासायनिक अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, आज यहीं तक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग पढ़िए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। धन्यवाद।